सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये कली के प्रभाव जब देखे तो बड़े दुखी होकर के देवर्षि नारद जी, आज क्या प्रभाव है? उस समय जब ये कथा लिखी गई थी तो उस समय ये प्रभाव थे जो इसमें लिखे, पर आज क्या प्रभाव है? संस्कार नहीं है, बहुओं में प्रणाम करने की विधा समाप्त हो गई। उनको लगता है हम सब बराबर इक्वल है। पुरुषों की स्त्रियां बराबरी करने लगे, कभी जीवन में नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री का वर्चस्व, स्त्री का स्थान इतना ऊंचा है कि उसे पुरुषों की बराबरी करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। आपकी बेटी आपकी शान है कि नहीं बताओ? आपका स्वाभिमान है, आपका मानबिंदु है, आपका सर्वस्व है। और बेटी की बराबरी कभी बेटा कर सकता है? नहीं कर सकता। पर बेटियों को होड़ लगी है कि हमें बराबरी करनी है, जबकि उनका दर्जा तो अपने आप में इतना ऊंचा है, माँ से कोई ऊंचा हो ही नहीं सकता। तो अपने अस्तित्व को भूल करके वो नीचे उतर रही है, उच्छृंखल नदी की तरह। इसलिए सावधान हो जाइए। हमारे भारत की आज जो स्थिति है, बहुत अच्छे से सब चल रहा है, परंतु सावधान, जिहादी कभी भी अवसर चूकते नहीं। चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो भूमि पर अराजक तत्वों का कब्जा हो, या आपकी बहु बेटियों पर दुष्प्रवृत्ति वाली नजर हो, इसलिए अपनी बेटी को कभी भी कोमल गुलाब का फूल मत बनाइए। अपनी बेटी को पैनी तलवार बनाइए कि शत्रु के सीने को चीरती हुई आगे निकल जाए। पैनी तलवार का अर्थ है कि तलवार जब तक म्यान से नहीं निकालते, वो निकलती नहीं अपने आप। एक स्त्री, एक बेटी हीरे की डब्बी में रखा हुआ वो डायमंड, वो हीरा है, और हीरे को कोई बाहर खुला नहीं छोड़ता। छोड़ता है क्या? आप बताओ, सुनार की दुकान पे बाहर सबसे क्या रहती चीजें? जो रोल्ड गोल्ड की चीजें हैं, जो नकली ज्वेलरी है, वही बाहर लटकी मिलेगी। गोल्ड की ज्वेलरी तो शीशे के कांच के ग्लास में बंद होगी, उसके बाद जो डायमंड होगा वो और अंदर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, फिर उसमें छोटी सी डब्बी के अंदर कॉटन में लिपटा हुआ डायमंड। कभी गए हो सोने स्वर्णकार की दुकान? तो बेटी कौन है? डायमंड है, और डायमंड कभी खुला नहीं छोड़ते, बाहर नहीं रखते। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था, कहा था, आपके देश की स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती? आपके देश की स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती? हमारे यहां तो सब हाथ मिलाती हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया था, कहा, आपके यहां की जो महारानी है, क्या किसी साधारण इंसान से हाथ मिलाती है? बताइए। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, महारानी तो जो महारानी विक्टोरिया है, वो किसी किससे नहीं हाथ मिलाती, कोई विशेष होगा उसी से मिलाएंगे, बाकी सबसे नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जब आपके यहाँ की महारानी किसी से हाथ नहीं मिला सकती साधारण व्यक्ति से, तो हमारे देश की तो हर बेटी महारानी है, वो कैसे हाथ मिला सकती? वो झांसी की रानी है, वो पद्मावती है, वो पन्ना धाय है, वो वीरांगना है, जवाहरातों को, हीरों को जन्म देने वाली माँ। इसलिए मैं कहती हूँ, बेटियां ऊंचाइयां छुए अच्छी बात है। डॉक्टर, इंजीनियर, आजकल तो बेटियां पायलट भी बन रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं, हजारों लोगों की जिंदगी हाथ में लेकर के एरोप्लेन उड़ाती हुई बेटी, दिल्ली की मेट्रो तक चला रही हैं बेटियां। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां बेटियां उन्नति ना करें। हमारे भारत की बेटी अंतरिक्ष यात्री बन रही है। कल्पना चावला छोटी सी आयु में चली गई, परंतु अंतरिक्ष की छाती में तिरंगा गाड़ के तक। तो बेटियों को ऊंचाई ऊंची उड़ान दो, लेकिन बेटियों से बेटियों के गुण, बेटियों के स्वाभाविक गुण, उनके संस्कार, उनके सील को धारण करने के साथ। जिस दिन कोई बेटी अपने सील से समझौता कर लेती है, कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए बलपूर्वक अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की, चरित्र की रक्षा करें।